प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग एक ऐसी डेंटल क्लिनिक में की जाती है जहां दांतों से प्लेक और टार्टर को हटाने के लिए किया जाता है। प्लेक एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं और दांत के सरफेस पर परफॉर्म करते हैं। जब ये मिनरलाइज्ड होता है तो ये स्मैक दांत का काली हिस्सा में हार्ड हो जाता है और इसको टूथब्रश से साफ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी वजह से प्लेक और टार्टर के जमाव के कारण दांतों के सही तरह से साफ ना होने के कारण दांतन की मसूदों में सूजन या एफआईआर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये दांतन की बीमारी का कारण बन सकता है। दांतों की सही तरह से सफाई के लिए स्केलिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दांतों के नीचे के इलाके को साफ किया जाता है। इसके अलावा इस प्रोसीजर के साथ हाई पॉलिशिंग भी किया जाता है जिसमें दांतों की सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है। स्केलिंग और पॉलिशिंग को साल में दो बार करने की सलाह दी जाती है और आईसी गम और टीथ डिजीज से बचने के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रोसीजर के पहले आपका डेंटिस्ट आपकी मेडिकल हिस्ट्री का रिव्यू करेगा और आपकी जांच करेगा। प्रोसीजर के दौरान आपकी गम की हालत का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा वाइब्रेटिंग टिप के साथ हाई स्पीड का स्केलर और वाटर भी यूज किया जाता है जिसे डिब्री को साफ किया जाता है। प्रोसीजर के दौरान आप में थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है जिसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर डीप स्केलिंग की जरूरत होती है तो आईएससी 2 से 4 बार में करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा स्केलिंग के बाद आपको टीथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए डेंटिस्ट अक्सर डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट भी रिकमेंड करते हैं। इस तरह के प्रोसीजर्स से प्लेक और टार्टर को हटकर साफ करना और अपनी ओरल हाइजीन की अच्छी तरह से देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि दांतन और मसूदों की बीमारियों से